ऋषभ एक छोटा सा गांव है जो वेस्ट बंगाल का कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में बसी हुई है। ये बेसिकली जो लेपचा कम्युनिटी है वो लोगों का गांव है। ऋषभ से पूरा माउंटेन का जो लैंडस्केप है वो बहुत अच्छा दिखती है। इनका अल्टीट्यूड करीबन 8500 फीट है और ये कालिम्पोंग से करीबन 28 किलोमीटर और लावा से 10 किलोमीटर दूर है। सबसे सनराइज सनसेट नहीं बहुत खूबसूरत है और वेदर क्लियर होने से पूरा कंचनजंगा का 360 व्यू दिखाई देता है। सिलीगुड़ी होके आओगे तो जो रास्ता सेबो होके ओदलाबाड़ी होके मलबजार जाता है उसी रास्ता में डामडिम करके एक लोकेशन आता है जहाँ से ये रास्ता आगे गोरुबथान होके लाभा लेके जाता है। सिलीगुड़ी से कुछ बस भी चलता है जो तेंजिंग नोर्गे बस टर्मिनल से खुलती है और ये लावा तक पहुंचता है करीबन 2 से 2.5 घंटा में। पूरा जो रास्ता है शुरुआत में कुछ फॉरेस्ट है, उसके बाद ये रास्ता बहुत ज्यादा खूबसूरत बन जाता है। दोनों तरफ चाय का गार्डन और छोटा छोटा गांव, साथ में बहुत अच्छा खूबसूरत वैली दिखना चालू हो जाता है। मीनिंग है माउंटेन पीक्स एंड फॉरेस्ट। एक्चुअली आरआई का मीनिंग है माउंटेन पीक्स और शॉप का मीनिंग है एज ओल्ड फॉरेस्ट। में रहने के लिए होटल होमस्टे दोनों ही मिल जाता है। होमस्टे में 800 से 1000 रुपये में पर हेड पर डे हिसाब से चलता है, जिसके अंदर ब्रेकफास्ट लंच डिनर इंक्लूडेड है। वेज नॉन वेज दोनों ही अवेलेबल है। तो मैं बहुत बड़ा कोई शॉप नहीं है, जो छोटा छोटा शॉप है उसी से दरकारी सामान मिल जाता है।
ऋषभ में शिवा बुद्धा टेम्पल है जो 8,450 फीट में है, तो घूमने लायक जगह है। उसको छोड़ के टिफिन धरा करके एक व्यू पॉइंट है जहाँ से हिमालयन पीक का 360 की व्यू मिल जाता है। एक से डेढ़ घंटा का ट्रेक है, करीबन 1.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ना पड़ता है। जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहा था धीरे धीरे ठंडा भी बढ़ रहा था। Thank you.
साथ में खूबसूरत रास्ता जो लावा तक लेके जाता है। लावा टाउन है, लावा टाउन में लावा मॉनेस्ट्री है जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बट अभी कोविड के चलते मॉनेस्ट्री अभी बंद था, इसलिए हम लोग सीधा निकल पड़ा रिशप के लिए। ये रास्ता सीधा ऊपर रिशप तक लेके जाएगा। पूरा रास्ता खूबसूरत पाइन का जो फॉरेस्ट है उसका अंदर से ही जाती है। Thank you.
क्लियर रहने से ऋषभ से कंचनजंगा पंडिम बाबरू बहुत सारा हिमालयन रेंज दिखाई देता है। आज ही ऋषभ का हम लोगों का लास्ट डे था। कल सुबह उठ के ऋषभ को बाय बाय बोल के हम लोग दूसरा जगह निकल रहे हैं।